अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करंट अफेयर। तुर्की और पाकिस्तान मिलकर अब सैटेलाइट बनाएंगे। जी बिल्कुल, तुर्की और पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी स्पार्को और तुर्किश एयर स्पेस एजेंसी जो है वो मिलकर अब सैटेलाइट बनाएगी। यहाँ पर आप आर्टिकल देख सकते हैं, बड़े एशिया का पाकिस्तान स्पार्को टर्किश एयर स्पेस टू जॉइंटली डेवलप सैटेलाइट। यहाँ पर ये देखिए, इस तरह से देखिए, दुनिया में चंद ही ऐसे मुल्क हैं जो अपनी सैटेलाइट बनाते हैं और लॉन्च भी करते हैं, और कुछ मुल्क ऐसे हैं जो सिर्फ सैटेलाइट बना सकते हैं मगर लॉन्च नहीं कर सकते। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी स्पार्को इस मामले में बहुत पीछे है। अगर हम अपने हमसाया ममालिक की तरफ देखें तो ना सिर्फ इंडिया बल्कि ईरान भी अपने सैटेलाइट खुद बनाता है और लॉन्च भी करता है। देखो, सैटेलाइट लॉन्च करना एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी स्पार्को को बहुत ज्यादा चैलेंजेस का सामना है, मगर अब तर्किश कंपनी आ गई है स्पार्को को वापस उसी मुकाम पर लाने के लिए। जी हाँ बिल्कुल, तर्किश कंपनी स्पार्को के साथ एग्रीमेंट कर लिया है। अब तर्किश कंपनी स्पार्को को सैटेलाइट बनाकर देगी, बल्कि दोनों मिलकर सैटेलाइट बनाएंगे। ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है पाकिस्तान और तुर्की का, ये एक बहुत अच्छा स्टेप है बिटवीन पाकिस्तान एंड तुर्की। यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ, तुर्की का जो ग्रैंड प्लान है वो ये है कि अगले साल मतलब 2023 में ये सैटेलाइट या ऑर्बिटर भेजेंगे चांद पर। कई मुल्क ऐसे हैं जो सैटेलाइट बनाकर दूसरे मुल्क को सेल करते हैं, मतलब जर्मनी फ्रांस वगैरह। देखिए, स्पेस को लेकर फ्यूचर में कंपटीशन बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाला है। इस मामले में पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी बहुत ही पीछे है। इन सब को कम्पीट करने के लिए पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी बहुत पीछे है। तुर्किश कंपनी और स्पार्को मिलकर अब सैटेलाइट बनाएगी और लॉन्च भी करेंगी। यहाँ पर अब मैं ये भी ऐड कर दूँ कि तुर्की के अलावा चाइना भी पाकिस्तान के साथ स्पेस प्रोग्राम पर काम कर रहा है और बहुत जल्द पाकिस्तान अपनी सैटेलाइट लॉन्च करेगा। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को ये स्टेप बहुत पहले ले लेना चाहिए था, क्योंकि अगर आप देखो हमारे हमसाय मुल्क इंडिया ईरान इस मामले में बहुत ही ज्यादा आगे निकल चुके हैं। अब पाकिस्तान भी इनको कम्पीट करने वाला है। पाकिस्तान ने जो पहली सैटेलाइट लॉन्च की थी, वो थी बदर वन 1991 में। इसके बाद और भी सैटेलाइट लॉन्च की पाकिस्तान ने। 2011 में पाकसैट के नाम से कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च की। स्पार्को को 2023 में एक रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सैटेलाइट भी लॉन्च करने वाला है। तो देखो, स्पार्को का फ्यूचर भी बहुत ज्यादा ब्राइट है। इसके अलावा मुख्तलिफ ममालिक के साथ स्पेस कोलैबोरेशन से भी हमारी स्पेस एजेंसी को बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गॉड ब्लेस यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा।